पिछोर के मिडिल स्कूल क्रमांक 1 में 3 दिसंबर को होने जा रहे विश्व विकलांग दिवस के मौके पर 1 दिसंबर को ब्लॉक स्तर पर दिव्यांग छात्र छात्राओं की खेलकूद प्रतियोगिता कराई गई। इस प्रतियोगिता में 50 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़, चित्रकला और भाला फेंक और अन्य प्रतियोगिताएं कराई गई। इस प्रतियोगिता में पिछोर ब्लॉक के दिव्यांग बच्चों ने हिस्सा लिया और जो प्रतियोगी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रैंक पर आए उन्हें विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को जिले में ले जाया जाएगा। जिले में दिव्यांग बच्चों की अन्य प्रतियोगिताएं कराई जाएगी। उसी क्रम में आज पिछोर में दिव्यांग बच्चों की खेलकूद की प्रतियोगिताएं कराई गई है और जो बच्चे इस प्रतियोगिता में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पर आए हैं उन्हें नगर परिषद अध्यक्ष कविता विकास पाठक और बीआरसी महोदय द्वारा प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संवाददाता सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। आज जो यहाँ पे विकलांग बच्चों को पुरस्कार वितरित किए गए, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या है पूरा? ये प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में उससे पूर्व विकासखंड स्तरीय जो दिव्यांग बच्चों के लिए प्रतियोगिता हैं वो आयोजित की जाती हैं। तो यहाँ पे बच्चों को कई तरह के गेम्स जैसे कि 50 मीटर दौड़, 100 मीटर दौड़, गोला भाला, नींबू चम्मच रेस, ड्राइंग पेंटिंग आदि जो है बच्चों को खेल खिलाए जाते हैं। विकासखंड स्तर पे जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में चयनित होते हैं वही बच्चे 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होते हैं और वहाँ पर बच्चों को सभी तरह की प्रतियोगिता में शामिल किया जाता है, पुरस्कार वितरण किया जाता है। विकासखंड स्तर पर भी सभी बच्चों को पुरस्कार वितरण किए जाते हैं एवं संतावना पुरस्कार दिए जाते हैं। ये प्रतिवर्ष राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग प्रतिवर्ष इनको आयोजित करता है। हमारा जनपद शिक्षा केंद्र